युहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय एक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम युहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे कि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लोहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। युहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। युहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वो भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा कि यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वह भविष्यद्वक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? युहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यर्दन के पार बैतनिया में हुई जहां युहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए
मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रीस्त मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, ये सचमुच इसराइली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, तू इसलिए विश्वास करता है, तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे।